राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच बिहार में सीटों के तालमेल का मुद्दा पेचीदा बना रहा है। इन्हीं मुश्किलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद आज कांग्रेस के साथ लिए गए निर्णय का खुलासा करने जा रहे हैं। माना जाता है कि सीटों के तालमेल पर कांग्रेस के साथ मतभेद पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए तो प्रायः हम लोग का एडजस्टमेंट हो चुका है इन चार दलों का, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम और एमसीसी। पाटलिपुत्रा जो ओरिजिनल राजधानी है देश का, पटना, वहाँ से मैं करूँगा और मैं वहीं से घोषणा कर दूँगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। कौन कौन सीट और कितना नंबर सीट किस दल को लड़ना है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोधी बयान देकर मामले को और भी उलझा दिया है। जब पूरा समझौता हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। नहीं, अभी पूरा समझौता नहीं हुआ, नहीं कोई अड़चन नहीं है। देखो, इसमें टाइम लगता है, अभी 27 तक हमारे पास टाइम है, और क्योंकि नॉमिनेशन का लास्ट डेट 27 को है, तो उससे पहले समझौता हो जाएगा। हालांकि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद कहते हैं कि कांग्रेस से हुई उनकी बातचीत सफल रही है और राज्य में मिलकर चुनाव लड़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब वो जो 54 सीट है, वो 54 लोकसभा का जो बिहार में सीट है, वो सब सामूहिक रूप से वो सबका सीट हो गया, ये चारों पार्टी का, और सब जगह वो कॉमन कैंडिडेट होगा। आरजेडी का होगा तो उसमें कांग्रेस का भी श्रेय रहेगा, सीपीआई का भी रहेगा, सीपीएम का भी रहेगा, सीपीआई का रहेगा, वहाँ तीनों दलों का, चारों दलों का रहेगा। बहरहाल इतना तो तय है कि सीटों के तालमेल का मुद्दा भले ही पार्टियों के बीच विवादों के साथ सुलझ गया हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। सुबह सवेरे कुमार गिरीश के साथ मैं मनोज मलयालम।